नमस्कार एंड वेलकम टू ई स्मार्टर एवरीडे चैनल। दोस्तों, वन विभाग में जो भी कैंडिडेट यहां पर जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी बात है। दोस्तों, वन विभाग की तरफ से यहां पर फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी यहां पर आई हुई है, और अगर आपके पास सिर्फ 12वीं पास हैं तो दोस्तों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और टोटल पोस्ट 894 यहाँ पर निकाला गया है, जो कह सकते हैं कि बहुत अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। और अच्छी बात ये भी है दोस्तों कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी फीस आपसे नहीं लिया जाएगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट इस फॉर्म को यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया यहाँ पर चालू हो चुकी है, तो भारत का कोई भी व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल है, अप्लाई कर सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी डाउट जो है इस भर्ती से रिलेटेड नहीं रहने वाला है, तो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा ताकि आपका सारा डाउट जो है यहां पर क्लियर हो सके, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ें। उससे पहले दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लेना है, क्योंकि आपको इस चैनल पर 100% ऑथेंटिक एंड जेन्युइन इक्ली गोन भर्ती के बारे में ही जानकारी दी जाती है। और इसका पीडीएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से ही मैं आपको सारी जानकारी यहाँ पर देने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो वैकेंसी निकल के आई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी यहाँ पर जारी किया गया है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो वैकेंसी है सिर्फ उत्तराखंड के कैंडिडेट ही भरेंगे, भारत का कोई भी व्यक्ति इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हम बात करें, ये जो वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है ये समूह ग के अंतर्गत यहाँ पर आता है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है और 11 नवंबर लास्ट डेट यहाँ पर रखा गया है। उससे पहले दोस्तों आपको यहाँ पर अप्लाई कर देना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बाकी की जानकारी हम यहाँ पर देखें, इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पर दोस्तों पोस्ट आप देख सकते हैं टोटल जो है 894 कुल वैकेंसी यहाँ पर निकाला गया है, और इसमें कैटेगरीज वाइज वैकेंसी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बात करें, यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं यानी कि कुछ सीटें जो है यहाँ पर रिजर्व किया गया है, तो रिजर्व सीटें भी आप देख सकते हैं। स्वतंत्र उत्तराखंड के पूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर 45 सीटें, उत्तराखंड के अनाथ के लिए 24 और महिलाओं के लिए 268 सीटें रिजर्व हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें, यहाँ पर सैलरी आपको लेवल थर्ड के तहत सैलरी दी जाएगी, और यहाँ पर सिर्फ अगर आप 12th पास हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ में अगर आपने 12th नहीं किया है लेकिन आपने डिप्लोमा वगैरह किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमा को दोस्तों यहाँ पर 12th के समकक्ष यहाँ पर माना जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है अगर कोई सेना में कम से कम 2 वर्ष तक कार्य किए हुए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और नेशनल कैडेट कोर यानी कि NCC सर्टिफिकेट बी और यहाँ पर सी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों उनको अच्छा यहाँ पर बेनिफिट भी आगे यहाँ पर मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर हम फिजिकल की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों महिला पुरुष की बात करें तो पुरुष की हाइट जो है 163 सेंटीमीटर होना चाहिए और महिलाओं की हाइट जो है 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। वही हाइट में जो छूट है यहाँ पर इस कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट को यहाँ पर दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों अगर कोई यहाँ पर अनुसूचित जनजाति और गोरखा, नेपाली, असामी, लद्दाखी जैसे यहाँ पर इस यहाँ पर आते हैं, मतलब इस यहाँ पर कम्युनिटी से आते हैं, तो वैसे कम्युनिटी के अंतर्गत वो कोई पुरुष अप्लाई करता है तो यहाँ पर दोस्तों उसकी हाइट जो है 152 सेंटीमीटर मांगी जाती है, और महिलाओं की हाइट जो है 145 सेंटीमीटर यहाँ पर मांगा जाता है, ठीक है। बाकी किसी कैटेगरी को हाइट में छूट नहीं दिया जाता, ठीक है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर जो है फिजिकल के बारे में यानी कि दौड़ वगैरह आपकी कितनी होगी, वहीं बात करें पुरुष की दौड़ की तो पुरुष को यहाँ पर 25 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी 4 घंटे में, और महिलाओं को भी 14 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी होगी 4 घंटे में, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से आप ये दौड़ जो है 4 घंटे में आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस आपको यहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। एज के बारे में बात करें तो आपकी उम्र जो है 1 जुलाई 2022 तक आपकी उम्र जो है 18 वर्ष के हो रहे हैं, और 18 से 28 वर्ष के बीच हो रहे हैं अगर आप जनरल में आते हैं तो आप अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट में नहीं आते हैं और यहाँ पर उत्तराखंड के यहाँ पर जो है मतलब आप SC ST कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, OBC में कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या अन्य किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको दोस्तों एज मेरिटाइजेशन का लाभ यहाँ पर मिल जाएगा। उसके थ्रू जो है आप इस फॉर्म को यहाँ पर फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर आप अदर स्टेट से अप्लाई करते हैं तो आपकी उम्र जो है
28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, वो भी 1 जुलाई 2022 तक। अब बात करें दोस्तों एग्जाम पैटर्न, देखिए एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो है 100 नंबर का पेपर होता है और 2 घंटे का समय जो है आपको यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। तो 100 नंबर के पेपर में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि 120 मिनट का समय आपको यहाँ पर दिया जाता है, और 120 यहाँ पर 100 नंबर का जो पेपर है मतलब इसी के आधार पर यहाँ पर मेरिट बनता है। तो आपको एग्जाम में दोस्तों यहाँ पर जो है मतलब आपको अच्छा से अच्छा यहाँ पर स्कोर करना रहता है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों हम नेक्स्ट बात करें जैसे कि फीस, तो इसमें आपको एक भी प्रकार का कोई भी फीस जो है यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर फीस के बारे में भी मैं आपको दिखा देता हूँ, चरित्र के बारे में यहाँ पर बता रखा है कैसा चरित्र होना चाहिए, ये सारा चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वैवाहिक स्थिति परिस्थिति के बारे में बता रखा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया यहाँ पर बता रखा है कैसे कैसे आपको आवेदन करना है। तो फीस के बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर क्लियर मेंशन कर दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों निर्णय दिनांक 14/10/2022 का अनुपालन में अभ्यर्थियों के परीक्षा शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क से छूट प्रदान यहां पर की गई है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और यहां पर दोस्तों जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, बाकी स्टेट वाले भी, तो वो जरूर इस फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, ठीक है।